मैं बेवकूफ बन गई, मैं नहीं चाहती कोई और बेवकूफ बने, कोई और बेवकूफ बने। बहुत इमोशनल हो गए सबसे पहले तो अपने आप को स्क्रीन में आज देखकर, इतने सारे लोगों के साथ में कैसा लगा? ऑफ़ कोर्स बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आप जानते हो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना बड़ा शो है और इतने बड़े डायरेक्टर है। ऑनेस्टली अपने आप को नीरज पांडे जी का नाम लिखा है और बाजू में मेरा फ़ोटो लगा है, वो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू मी। एंड एक्चुअली मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहती थी पर मैंने खुद को भी एम्बैरस कर दिया, बोलिए ना। और तभी भी बट ऑब्वियसली यू नो स्पेशल, जैसे वेब का नाम स्पेशल ऑप है वैसे ही मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट है और मेरे लिए ये वेब बहुत स्पेशल रहेगा हमेशा। मतलब मैं एक्चुअली इतने सालों से दुआ कर रही थी कि मुझे इनके साथ काम मिल जाए, तो लगता है दुआ पूरी हो गई फाइनली। और आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर दिस वेब, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने पहले ही अपना मन बना लिया था कि चाहे वो मुझे जो भी नरेट करे, मैं उसके अंदर कुछ भी हूँ, मैं ये वेब कर रही हूँ। और मुझे इतना याद है कि मैं गई और मैं नरेशन सुन के आई और मैं अंदर ही अंदर सोचूँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ये वेब, मत टाइम वेस्ट करो मेरे पीछे, मुझे मत सुनाओ। और मैं इतनी लॉस्ट थी कि मैं घर वापस आ गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो वेब का नाम ही नहीं पता है। फिर मैंने वापस इन्हें कॉल किया, मैंने कहा अच्छा वेब का नाम क्या बोले, स्पेशल ऑफ, मैंने कहा अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा नीरज जी, इट्स अ मैन ऑफ नॉलेज कि आप डिस्कस कर ओके। तो इट्स अ मैन ऑफ नॉलेज नीरज जी एंड ही इज़ वेरी क्लियर, और उनको इतना अच्छा पता कि ये कैरेक्टर से क्या चाहता है। तो वो जैसे वो एक्सप्लेन कर दिया मेरे लिए, तो अब उतना रिसर्च और मतलब मेहनत करना नहीं पड़ा मेरे लिए, तो इसीलिए तो बहुत ही इजी रहा। काम करने नीरज जी के साथ मेरे लिए एक सपना था और अब तक सपना है, मैं दो बार काम किया उसके साथ और चाहता हूँ कि हमेशा काम करूँ उसके साथ। सर यू नो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ही लकी साबित होता है हमेशा से, यू नो चाहे वो टिकटॉक पर हो या फिर अब ये सोशल मीडिया पर ये वेब सीरीज हो, क्या लगता है सोशल मीडिया के साथ एक अच्छा वाला कनेक्शन है इसीलिए लकी साबित होता है आपके लिए? आई डोंट नो, आई थिंक कहीं ना कहीं जो लोग आपको काम, जो आपका काम देखते हैं, चाहे वो मेरी रियलिटी शोज़ हो या मेरी मूवी हो या शायद ये वेब हो, इनसे कनेक्ट करके वो मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए वो मेरे सोशल मीडिया को आके मेरा पेज फॉलो करते हैं ताकि वो मुझे जो फील करते हैं कॉमेंट लिख सके, ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूँ और मैं जान सकूँ कि लोग क्या सोचते हैं काम के बारे में। सोशल मीडिया बहुत बहुत ज़रूरी है, आई थिंक आज की तारीख में वो इतना पावरफुल हो गया है कि आप अपने जो इमोशंस है, जो एक्सप्रेशन है या कोई चीज़ को लेके जो मुद्दे हैं जिनके लिए आप स्टैंड करती हो, आप बिलीव करती हो, आप आपकी सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ कर सकती हो, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी फैब्रिकेट नहीं होगा। ये कहते हैं ना सीधी ज़बानी, जब आप लोग आपके मुंह से ही सुनेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ लोगों को बोलने डर लगता है, पता नहीं कैसे प्रेजेंट करेंगे, और यू नो उसी चीज़ को अगर आगे पीछे एक दो एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया तो शायद सुनने में कुछ अलग लगेगा। तो इसके लिए आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स की बातें, बहुत मज़ा आता है क्योंकि आप यू नो जब रेगुलर काम नहीं करते तो आपके पास फ्री टाइम भी होता है बहुत सारा, तो आप चाहते हो कि उसे यू नो ऑडियंस के लिए मैं कितना फ़ोटो डालूंगी, लोग फोटो देख देख के बोर हो जाते हैं ना, तो इसके लिए मैंने कहा चलो वीडियोज़ बनाते हैं, छोटे छोटे कॉन्टेंट बनाते हैं, इसीलिए मैंने ये सब टिकटॉक और ये सब करना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ, और ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है। वेल आई थिंक जो भी कहा है सच कहा है, और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। और मैं बेवकूफ़ बन गई, मैं नहीं चाहती कोई और बेवकूफ़ बने, और ये मेरा अवेयरनेस हर उन लड़कियों के लिए है जो ये ऐसी सिचुएशन से गुजरती है और जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी है। बिकॉज जब मैं बाहर आई और जब लोगों ने मुझे टेक्स्ट करना शुरू किया, मुझे पता चला कि मतलब मुझसे भी दुखी बहुत लोग बाहर हैं, तो आई थिंक तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये बात सिर्फ एक छोटे से मुद्दे की नहीं है बट असलियत बाहर लाने की है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दूसरी सना खान इन द मेकिंग हो। दैट्स इट, थैंक यू। Don't forget to like, share and comment.